नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे लगभग हर महिला को कभी ना कभी होने वाली स्वास्थ्य की समस्या ल्यूकोरिया के विषय में। ल्यूकोरिया एक ऐसी समस्या है जो 2 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल की लेडी तक को हो सकती है, और आप लोग इससे परेशान रहते हैं और उसके लिए तमाम एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, तमाम दवाएं खाते रहते हैं। जब तक दवा खाते हैं वो ठीक हो जाती है समस्या, लेकिन जब वो दवाएं खाना छोड़ते हैं एलोपैथी, तो कभी कभी ये फिर हो जाती है। तो हम बात करेंगे इसके परमानेंट क्योर के विषय में, आपको इसकी 15 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में बताएंगे, वो दवाएं जो इसको जड़ से ठीक कर दें और आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएं। सबसे पहले साथियों, यह जान लेते हैं कि ल्यूकोरिया होता क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में, हमारे क्लिनिक आते हैं, कोई कहता है डॉक्टर साहब कैल्शियम निकल रहा है, कोई कहता है इन्फेक्शन निकल रहा है, कोई कहता है पानी निकल रहा है, कोई कहता है म्यूकस निकल रहा है, लेकिन लेडीज आमतौर पर इस पर कन्फ्यूज रहती हैं कि ये वास्तव में है क्या। तो सबसे पहले ल्यूकोरिया होता क्या है। ल्यूकोरिया साथियों सफ़ेद, वाइट, थिन, ओडरलेस, स्टिकी और नॉन स्टिकी डिस्चार्ज होता है, जो हमारे सर्विक्स और वजाइना से निकलता है और यह म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। यह एक कॉमन प्रक्रिया है इसके निकलने की, इसमें कुछ भी बहुत अनकॉमन नहीं होता है जहां तक ल्यूकोरिया स्पेसिफिक होने की बात है। ल्यूकोरिया साथियों किसी भी एज में हो सकता है और किसी भी कितना भी हो सकता है। ल्यूकोरिया बेसिकली 2 तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। फिजिकल ल्यूकोरिया एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जो कि समस्या नहीं है। यह आपके एज ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे, जब आप 12-13 साल के होते हैं, तब आपको कुछ दिन के लिए ल्यूकोरिया हो जाता है जो खुद ठीक हो जाता है, या फिर आपकी जो है वह प्रेगनेंसी के टाइम पे ल्यूकोरिया होता है जो कि एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने से होता है, यह भी कुछ वक्त के लिए होता है जो सही हो जाता है। और तीसरा एक ल्यूकोरिया ऑन बर्थ होता है बच्चियों में, जो कि जब वो मदर की वूम में होती हैं तो एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होने के कारण उनको होता है, लेकिन वो 2-3 महीने में सही हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, वो आपका स्वयं सही हो जाएगा, जो कि इन 3 मौक़ों पे होता है, जैसे कि प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी या चाइल्ड एट बर्थ। दूसरा तरह का ल्यूकोरिया साथियों आता है पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया, यहाँ पे समस्या है। पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया उस स्थिति में आपके म्यूकस का डिस्चार्ज होने लगता है जब जो है आपका बैक्टीरियल, फंगल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको इन्फेक्शन पैदा करता है और आपको यह तकलीफ उत्पन्न हो जाती है। इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमने बताया फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसका कि कोई कारण नहीं होता और जो वो स्वयं सही हो जाता है। दूसरा आता है पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया बेसिकली 3 कारणों से होता है। पहला होता है जब आपके वजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसका होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आपका गार्डनरेला वजाइनी बैक्टीरिया का, या फिर आपके क्लेमाइडिया बैक्टीरिया का। जब यह इन्फेक्शन आपके हो जाते हैं तो आपके म्यूकस जो है वो ओडर हो जाता है, उसमें बदबू आने लगती है और उसमें तमाम इस तरह का बैक्टीरियल फ्लोरा निकलने लगती है। उस स्थिति को साथियों हम लोग पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया कहते हैं। यह जो है वह आपके लिए तकलीफदेह होता है और विशेषकर इसी के लिए आप डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए बार बार जाने का प्रयास करते हैं। जो पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है, इसके कारण STDs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे गोनोरिया इत्यादि डिजीज भी इसके कारण होते हैं। तो पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया में एक ये बैक्टीरिया से हो गया। दूसरा साथियों फंजाई आता है। फंजाई एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण आपका यह ल्यूकोरिया होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंजाई है कैंडिडा। कैंडिडा आपको जो है फंजाई आपके ल्यूकोरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है और आपका एक मेडिकल ट्रीटमेंट वाली कंडीशन उत्पन्न करता है।
तीसरा साथी एक होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको प्रोटोजोअंस आपको इन्फेक्शन करते हैं और आपको लुकोरिया हो जाता है, तब भी आप इससे परेशान रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ये कैंडिडा जो होता है फंजाई, यह आपको लुकोरिया मेन तौर पे करता है और बैक्टीरिया करते हैं और ट्रोपोजाइट्स करते हैं। दूसरा साथियों इसके कारण होते हैं कि जब एक तो यह हो गया जो हमने बताया कि आपका पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन हो गया, दूसरा कारण होता है जब कुछ महिलाएं अपने वजाइना का ज़्यादा डॉगिंग जिसे कहते हैं उसको ज़्यादा वॉश कर देती हैं, उसकी नेचुरल फ्लोरा निकल जाती है। जब उसकी नेचुरल फ्लोरा निकल जाती है तब भी जो है आपका लिकोरिया की दिक्कत होती है, इसलिए जो वॉश करें उसको बहुत ज़्यादा वॉश ना करें, लिमिटेड वॉश करें। तीसरी स्थिति साथियों न्यूट्रिशन होता है, जब आपका न्यूट्रिशन ख़राब होता है तब भी आपको लिकोरिया हो सकता है, इसलिए अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखें। फिर साथियों एक कारण इसका हो सकता है लिकोरिया आने का कि जब आपके कोई कैंसर या कोई इस तरह की तकलीफ़ हो गई हो आपके वजाइना में या आपके उसमें सर्विक्स में, तब भी यह आपको लुकोरिया के डिस्चार्ज के फॉर्म में बाहर आता है। उसके अलावा पुअर हाइजीन, अगर आप सफाई नहीं रख रही हैं तो जाहिर सी बात आपके बैक्टीरिया फंजाई या ट्रोपोजोअन का इन्फेक्शन होगा और आपको लुकोरिया होगा। फिर हम लोग आते हैं साथियों इसके सिम्टम्स पे कि लुकोरिया हो गया तो कैसे पहचाने वो लुकोरिया अनहेल्दी लुकोरिया है, आपको इन्फेक्शन वाला लुकोरिया है, आपको इलाज की ज़रूरत है। अगर आपका लुकोरिया में ओडर आ गया है, बदबू आ गई है, तो यह एक आपका इन्फेक्टेड लुकोरिया का सिम्टम है। इसके अलावा आपके यूरिन में जलन हो रही, जब आप पेशाब करने जा रहे हैं तो उसमें जलन हो रही है, तो आप जान लें कि आपको लुकोरिया ट्रीटमेंट के वाला लुकोरिया है, कि आप उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए तुरंत के तुरंत। तीसरी स्थिति साथियों जब आती है सिम्टम जो ये दिखाता है लुकोरिया, वो होता है कि आपके यूरिन के बाद बर्निंग और पेनफुल क्वेश्चन, जब आप संभोग करती हैं तो आपके पेन होता है क्वेश्चन करने में, यह स्थिति साथियों है, तो इसका भी एक कारण शायद जो है वहाँ लुकोरिया हो सकता है। इसके अलावा साथियों आपके पेल्विक रीजन में पेन होने लगता है, जब आपको लुकोरिया की शिकायत होती है तो आपके पेल्विक रीजन में पेन होता है, यह भी एक लुकोरिया होने का एक बेहतर सिम्टम है। इसके अलावा पेशेंट इरिटेबल हो जाता है, काफ़ी चिड़चिड़ापन आ जाता है जब आपको लुकोरिया होता है। तो साथियों यह कुछ सिम्टम्स होते हैं लुकोरिया के, जिससे कि आप और लुकोरिया का कलर चेंज हो जाता है, वो येलोइश या ग्रीनिश हो जाता है। अगर यह स्थितियां साथियों हों तो आप समझ लें कि आपको लुकोरिया की शिकायत है और आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब साथियों इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका विषय आज का है कि इसको हो गया है तो ठीक कैसे करें। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत कारगर दवाएं हैं। दवा बताने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, जैसा हम हर वीडियो में कहते हैं, कि यह जो दवाएं हैं यह आपकी जानकारी के लिए है, होम्योपैथी की इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए है। कोई भी दवा बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के कुशल चिकित्सक के प्रिस्क्राइब करे बिना उनके पर्चे पे कोई भी होम्योपैथिक दवा ना लें, क्योंकि जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये निश्चित है होम्योपैथी में कारगर दवाएं हैं, यही पॉइंट प्रेस करने के लिए हम आपको इसकी बहुत कारगर दवाएं बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसकी स्पेसिफिक दवा के बारे में, जो निश्चित है कि जिससे लुकोरिया ठीक हो जाता है, ऐसी संभावना व्यक्त करी जाती है। दवा का साथियों नाम है कैल्केरिया ओवाटेस्टा। कैल्केरिया ओवाटेस्टा 3x पावर में आप दो दो टैबलेट यदि दिन में 3 बार ले लेंगे तो आपका लुकोरिया ठीक हो जाएगा, ऐसी बहुत उम्मीद है। यह बहुत कारगर दवा है, अगर आपको लुकोरिया है तो एक बार आप यह दवा लेके देख सकते हैं। यह दवा लुकोरिया को ठीक करने की स्पेसिफिक है। फिर साथियों अब हम लोग स्थितियों पे बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति आती है जो उत्पन्न होती है, वो होती है बहुत छोटे बच्चों में लुकोरिया हो गया, बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ उनमें लुकोरिया हो गया। तमाम मरीज आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, ये लुकोरिया है कि क्या है। वो वास्तव में लुकोरिया होता है, इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया फंजाई या ट्रोपोजोअन का, और स्मॉल गर्ल्स में होम्योपैथी में लुकोरिया को क्योर करने की सबसे अच्छी दवा है क्यूबेका। आप क्यूबेका होम्योपैथिक मेडिसिन 30 पावर में दो दो बूंद यदि दिन में 3 बार ले लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका बच्चों का लुकोरिया क्योर हो गया। साथ में दूसरी दवा आप दे सकते हैं सीपिया 30 उस स्थिति में छोटे बच्चियों के लिए बहुत अच्छी दवा है,
जब उनको वीपिंग डिस्पोजिशन हो, उनको रोना बहुत आता हो, बातचीत करने पे रोना आने लगता हो, तो उसकी बहुत अच्छी दवा है सीपिया। तो आप ये दो दवा दे सकते हैं। और इसी में एक दवा हम और जोड़ देना चाहेंगे, पल्सेटिला। पल्सेटिला 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार छोटे बच्चों में ल्यूकोरिया की स्पेसिफिक दवा है उस स्थिति में कि जब उनको प्यास न लगती हो, वो पानी बहुत कम पीते हों और उनमें चिड़चिड़ापन हो और वो थोड़ा जो है बंद कमरे में रहना पसंद करते हों, तो उस स्थिति में पल्सेटिला ल्यूकोरिया को ठीक करने की बच्चियों में बहुत अच्छी दवा है। इसी सिलसिले की साथियों चौथी दवा है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप बच्चे को उस स्थिति में दे सकते हैं कि जब ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो और वो लगता हो बच्चा का सब कुछ नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा एहसास होने लगे साथियों, तो इसकी बहुत अच्छी दवा कॉलोफाइलम 30 है। आप कॉलोफाइलम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। और इसकी पांचवी बहुत अच्छी दवा है कैल्केरिया फॉस। कैल्केरिया फॉस 6x पावर में 4 गोली दिन में 4 बार, यानी 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, 4 रात उस स्थिति में बच्चियों को दे सकते हैं जब वो बहुत वीकनेस फील कर रही हों और उनको कैल्शियम की शरीर में लग रहा हो बहुत कमी हो गई, उनके काफ मसल्स में, जोड़ों में, पैरों में दर्द हो रहा हो, कह मम्मी पापा से कहते हो पैर दबाइए, हमें बहुत दर्द हो रहा हो, माए रात भर उनके पैर दबाती रहें, यह स्थिति साथियों बने, तो इसकी निश्चित रूप से बहुत अच्छी दवा कैल्केरिया फास्ट 6x है। इसका आप 4 गोली दिन में 4 बार दे सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब ल्यूकोरिया की शिकायत हो बड़े लोगों में, मतलब जो अपनी प्यूबर्टी अटेंड कर चुके हैं, 18 साल के बाद का एडोलेसेंस अटेंड कर चुके हैं, मेजर हो गए माइनर से, तो फिर उसकी स्थिति आती कि उनका ल्यूकोरिया इचिंग के साथ हो। अगर खुजली या इचिंग ल्यूकोरिया के साथ आपके जो है प्राइवेट पार्ट्स में हो रही है तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है आयोडम। आयोडम 1000 पावर में वीकली आप एक खुराक उस स्थिति में ले लें जब आपका ल्यूकोरिया इतनी जलन पैदा करता हो, इतना एक्रिड हो, एसिडिक हो कि वो आपके अंडरवियर में छेद तक कर देता हो, उसको गला देता हो कपड़े को। अगर यह स्थिति साथियों आप में हो तो इसकी दवा आयोडम है। आप आयोडम 1000 पावर में 2-2 बूंद वीकली ले सकते हैं, आपको इससे बहुत आराम मिलेगा और आपकी तकलीफें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी दवा साथियों इसी सिलसिले की है मर्कसॉल। मर्कसॉल बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा है इसी स्थिति में कि जब आपको लग रहा हो कि जलन हो रही हो बहुत ज़्यादा और आपको यूरिन पास करने के बाद आपको प्राइवेट वार्ड्स को वॉश करना पड़ता हो, इतनी जलन होती है कि आपको पानी से उसको वॉश करना पड़ता है, उसको धोना पड़ता है ठंडा रखने के लिए, यह स्थिति साथियों हो तो इसकी दवा मर्कसॉल है। अगर ल्यूकोरिया इसमें थोड़ा सा ग्रीनिश टच का हो तो भी मर्कसॉल 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार बहुत अच्छी दवा है और यह आपकी जलन को बहुत ज़्यादा आराम दे देगी। तीसरी दवा साथियों इसी स्थिति की है जब आपके इचिंग बहुत हो रही हो और आपके जलन हो रही हो, बोरेक्स। बोरेक्स 30 2-2 बूंद उस स्थिति में आपकी बहुत अच्छी दवा है जब लग रहा हो कि पानी की तरह ल्यूकोरिया बह रहा है, आपको एक सेंसेशन हो कि हमारे जो है वो वजाइनल डिस्चार्ज में पानी की तरह ल्यूकोरिया बह रहा है, कुछ पानी ऐसा बह रहा है और इस तरह की स्थिति हो, ल्यूकोरिया वाइट और क्रीमी कलर का हो, वाइट हो बिल्कुल सफ़ेद ल्यूकोरिया हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है बोरेक्स। आप बोरेक्स 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा, आपको आराम मिल जाएगा। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके ल्यूकोरिया की शिकायत हो और आपके बैक में बहुत पेन हो रहा हो, आपकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा हो, आप उससे बहुत परेशान हो। अगर साथियों आपके ल्यूकोरिया की शिकायत है और आपके बैक में पेन हो रहा है तो इसकी 3 बहुत कारगर दवाएँ हैं। पहली दवा साथियों बैक पेन या बैक एक विथ ल्यूकोरिया की है एस्क्यूलस। एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको बैक में पेन हो रहा हो, आपके कब्जियत रहती हो और आपके ल्यूकोरिया की शिकायत हो। इसकी चीफ रेमेडी एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टम 30 है।
इसी में साथियों, अगर आपके बैक पेन हो रहा हो और वो आपको शार्प बिल्कुल लगता हो, बैठने पे मजबूर कर दे, यह स्थिति साथियों अगर हो जाए तो उसकी दवा काली कार्प 30 है। काली कार्प 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में आप ले लीजिए जब आपको यह जो लुकोरिया है यह बैठने पे मजबूर कर दे आपके पीठ के दर्द के कारण, शार्प पेंस के कारण। तो काली कार्प 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तीसरी साथियों इसी स्थिति की बहुत अच्छी दवा है यूपोनियम। यूपोनियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले लें जब आपके बैक में पेन हो और लगता हो यूट्रस नीचे की तरफ प्रोलैप्स हो रहा है, यूट्रस बाहर आ जाएगी, यह स्थिति साथियों हो तो इसकी दवा यूपोनियम 30 है। आप यूपोनियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप अपने में फ़ायदा पाएंगे, अपने में लाभ पाएंगे। एक कंडीशन आती है जो काफ़ी लोगों में पाई जाती है, वाइट लुकोरिया। आपके सफ़ेद कलर के लुकोरिया का डिस्चार्ज हो रहा है और आपको वो परेशान कर रहा है। तो अगर आपका लुकोरिया है जिसका कलर वाइट है, नॉर्मली लुकोरिया का कलर वाइट या ग्रीन होता है, तो अगर वाइट कलर का आपके लुकोरिया या येलो होता है, तो अगर वाइट कलर का लुकोरिया आपके डिस्चार्ज है तो इसकी 3 बहुत कारगर दवाएँ साथियों। पहली दवा है नेट्रम्यूर। आप नेट्रम्यूर 1 mg पावर में 3 खुराक वीकली 5-5 मिनट के फासले पे उस स्थिति में ले लें जब आपका लुकोरिया चलने से आपको तकलीफ़ ज़्यादा देता हो, यानी चलने से वो डिस्चार्ज बढ़ जाता हो। और नेट्रम्यूर का परसेंट थोड़ा इकहरा होता है, उसकी गर्दन लंबी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन है जो होम्योपैथी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, आप लोग शायद उसको समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। तो गर्दन लंबी होती है नेट्रम्यूर के पेशेंट की, इरिटेबल होता है, उसको नमक खाना बहुत पसंद होता है, नमक की उसको क्रेविंग होती है, यह स्थितियों साथियों हो तो आपकी दवा नेट्रम्यूर है और चलने से आपका लुकोरिया में तकलीफ बढ़ रही हो। दूसरी दवा साथियों वाइट लुकोरिया की है बोरेक्स। बोरेक्स 200 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले लीजिए जब आपका लुकोरिया वाइट क्रीम की तरह का हो और वह काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज में हो और क्रीमी वाइट कलर का हो, तो आपकी दवा बोरेक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार है। और इसकी तीसरी बहुत अच्छी दवा है लुकोरिया के साथ ही वाइट लुकोरिया की ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको सुबह ज़्यादा तकलीफ पड़ती हो, आपका थोड़ा कदकाठी, आप फियर फैट एंड फ्लैबी हो, थोड़े गोरे हो, मोटे हो, थोड़ा सा एक थुलथुल सापन हो, अगर यह स्थिति साथियों है तो दवा ग्रेफाइटिस 30 है, जिसमें कि मॉर्निंग में लुकोरिया ज़्यादा हो रहा हो, मॉर्निंग में वजाइना डिस्चार्ज आपके इन्फेक्टिव वजाइना डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा हो, तो आप ग्रेफाइटिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए, आपकी यह तकलीफ खत्म हो जाएगी। साथियों एक कंडीशन आती है कि जब आपके येलो वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है जो कि इन्फेक्टिव लुकोरिया के फॉर्म में हो, तो अगर लुकोरिया है उसका कलर येलो है और वह वजाइनल डिस्चार्ज आपके हो रहा है, तो इसकी 3 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है साथियों हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस 30 या हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर, अगर आप मदर टिंचर लें तो 10 ड्रॉप 3 टाइम्स लें, और अगर हाइड्रेस्टिस 30 लें तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें। अगर आप इस दवा को उस स्थिति में ले लीजिए जब आपको ल्यूकोरिया के साथ लीवर कंप्लेंट्स हो, आपके लीवर में भी दिक्कत हो, तो हाइड्रेस्टिस बहुत अच्छी दवा है उस स्थिति के लिए, यह आपको काफ़ी लाभ दे देगी और आपके लीवर को बिल्कुल ठीक रखेगी और साथ में आपके ल्यूकोरिया जो कि येलो कलर का डिस्चार्ज है उसको भी खत्म कर देगी। दूसरी दवा साथियों येलो ल्यूकोरिया की आती है नेट्रम कार्प। नेट्रम कार्प 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले लीजिए जब आपके लुकोरिया के साथ पेन बहुत हो रहा है और येलो कलर का लुकोरिया डिस्चार्ज, कॉलिकी पेन हो रहा है, मतलब ऐठन हो रही, पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, यह स्थिति साथियों है तो आप नेट्रम कार्प 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपका लुकोरिया को बहुत आराम मिलेगा और आपकी यह समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरी दवा साथियों इसी स्थिति की है क्रियोजोट। क्रियोजोट 30 येलो लुकोरिया में उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है कि जब आपके लुकोरिया बहुत ऑफेंसिव हो, बहुत बदबू आ रही हो, आप असर्टेन कर ले, आप कहीं जा नहीं पा रहे, बहुत से पेशेंट हमारे क्लिनिक आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब हम कहीं जा नहीं पाते हैं, हमारे पास से बदबू आती है, हमें बड़ा बुरा महसूस होता है, हीन भावना महसूस होती है, अगर यह स्थिति साथियों आप में हो तो इसकी दवा क्रियोजोट 30 है, इसको आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें,
आपका येलो कलर का ल्यूकोरिया जो है ऑफेंसिव ल्यूकोरिया है वह ठीक हो जाएगा और आप अपने को बेहतर महसूस करेंगे। एक स्थिति साथी वो आती है, बहुत से पेशेंट्स हमारे यहाँ आती हैं, वो कहती हैं कि हमारा मेनोपॉज हो गया लेकिन अभी भी हमको ल्यूकोरिया आ रहा है और हम उससे परेशान और ल्यूकोरिया और बढ़ गया है। यह स्थिति साथी अगर आपकी आ रही हो किसी की, तो उसकी चार बहुत कारगर दवाएं हैं। सबसे अहम दवा उसकी सीपिया है। सीपिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार मेनोपॉजल कंडीशन में उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है। जब आपको ल्यूकोरिया आ रहा है और आपके यूट्रस बियरिंग डाउट सेंसेशन कर रही है, कह रही यूट्रस का प्रोलैप्स हो गया, यूट्रस लग रहा बाहर आ जाएगी, कुछ नीचे से बाहर आ जाएगा, यह स्थिति ल्यूकोरिया के साथ हो और आपका बदन इकहरा हो, आप दुबले पतले से हो और आपको रोना बहुत जल्दी आता हो, वीपिंग डिस्पोजिशन आपके हो, तो उसके लिए सीपिया से अच्छी दवा नहीं हो सकती। आप सीपिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको बहुत लाभ होगा, आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी दवा इस साथियों की है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार मेनोपॉजल स्टेज में ल्यूकोरिया की उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है। जब आप अपने में डिप्रेशन महसूस करते हो और आपके हमेशा कब्ज रहती हो और एक घबराहट बनी रहती हो, एक उलझन बनी रहती हो और कॉन्स्टिपेशन रहता हो, अगर यह 3-4 चीज़ें आप में हैं तो ग्रेफाइटिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार मेनोपॉजल कंडीशन में आपकी बहुत अच्छी दवा है, आपको ठीक कर देगी। तीसरी दवा साथियों उस कंडीशन की है सोराइनम। सोराइनम का आप 2 बूंद दिन में 3 बार उस, या सोराइनम 1 EM मैं कहूँगा, सोराइनम 1 EM आप वीकली उस स्थिति में ले लीजिए जब आपका वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ऑफेंसिव हो, बदबूदार हो और पस ऐसा हो, आपको बिल्कुल गंदा वाला डिस्चार्ज हो, अगर वह स्थिति आपके होती है साथियों, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा आपकी है सोराइनम। सोराइनम 1 EM वीकली आप एक खुराक ले लें, इस स्थिति से आप मुक्ति पा जाएंगे। और एक स्थिति इसी मेनोपॉज में और आती है कि आपका, आप 70-80 साल के हो गई हो, 70 साल की हो गई हो, तब भी ल्यूकोरिया आपके आ रहा हो, तब भी इन्फेक्शन हो, तो उस स्थिति में मेनोपॉज के इतने दिन बाद भी अगर ल्यूकोरिया हो रहा है तो उसकी बहुत अच्छी दवा है सैंगुनेरिया कैंडेंसिस। तो सैंगुनेरिया 30 की 2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम, तो आपके मेनोपॉज के काफ़ी वक्त बाद भी होने वाली इस तकलीफ में आपको बहुत आराम मिल जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपका ल्यूकोरिया ठीक हो जाएगा। एक साथी और कंडीशन आती है कि जब आप अनीमिक हो और ल्यूकोरिया आ रहा हो, खून की बहुत कमी है और ल्यूकोरिया आ रहा हो, पूरा कमर कूल्हे में दर्द बना हुआ है और परेशान है, चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, या स्थिति साथियों हो जब आपके खून की कमी और बहुत कमजोरी अगर आती है, तो उसकी सबसे अच्छी दवा है सिंकोना ऑफिसनेलिस, जिसको चाइना भी कहते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो सिंकोना ऑफिसनेलिस की 2 बूंद दिन में 3 बार जब आपका खून की कमी के साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, तो उसके लिए सिंकोना ऑफिसनेलिस बहुत अच्छी दवा है, यह आपको काफ़ी हद तक ठीक कर देगी, आपको बिल्कुल ठीक रखेगी। एक साथी और कंडीशन आती है कि जब महिलाएं ये रिपोर्ट करती हैं कि उन्हें मेंसेस की जगह ल्यूकोरिया आ रहा है, ऐसा कभी आपने सुना हो या किसी के साथ, आपके साथी सहेली के साथ हुआ हो, मेंसेस नहीं आ रहा और ल्यूकोरिया ही मेंसेस की जगह आ रहा है, यह कंडीशन साथी हो तो इसकी बहुत अच्छी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस 1 EM वीकली 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पे 15 मिनट में 3 खुराक आप उस स्थिति में ले लीजिए जब आपके मेंसेस की जगह ल्यूकोरिया आता हो और आपको वहाँ परेशान करता हो, आपका हेयर फॉल बहुत हो रहा हो और शाम को आपकी तकलीफें बढ़ जाती हों, अगर यह कंडीशन हो साथियों तो इसके लिए फास्फोरस बहुत अच्छी दवा है, यह आपको पूरी तरह ठीक कर देगी और पूरी तरह आराम दे देगी। ये साथियों कुछ स्थितियाँ थीं आपका होम्योपैथी में कारगर दवाएं उन स्थितियों से निपटने के लिए। मैं फिर कह दूं यह दवाएं आपकी जानकारी मात्र थी। होम्योपैथी में पर्सन टू पर्सन दवा सिम्टम्स के हिसाब से भिन्न हो सकती है और वह साइड इफ़ेक्ट भी कॉज कर सकती है, इसलिए बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे लिखवाए हुए दवा को ना लें, जो हमारा वीडियो या कोई भी वीडियो देख के कोई दवा ना लें, ये आपकी जानकारी के लिए है। अगर साथियों आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157834157386380 पर आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी आपको संतोषजनक जवाब देने का जो आपके काम आ सके। अगर साथियों आपको यह हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और
इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके, मेरा भी थोड़ा नाम हो जाए लेकिन लोगों को भी लाभ हो जाए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन का दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा इसी तरह सबसे पहले पहुँचता रहे। हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।